चलिए बच्चों, कल हमने 16 टू 20 वर्ब्स लर्न की थी, ठीक है। आज हम इनका अच्छे से सीखेंगे, यूज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन वर्ब्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 16 नंबर पे जो वर्ब थी वो क्या थी? नेगलेक्ट। क्या थी वो वर्ब? नेगलेक्ट। नेगलेक्ट मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। अनदेखा करने का मतलब अगर हम किसी बात पर ध्यान ना दें, उसको इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। तो अनदेखा करना मतलब उस पर ध्यान ना देना। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? नेगलेक्ट योर हेल्थ। जैसे कोई अपनी हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है तो हम बोलते हैं ना, डोंट नेगलेक्ट योर हेल्थ, या अपनी हेल्थ पर ध्यान मत दो, या अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट है नेगलेक्ट योर ड्यूटीज़। जैसे कोई अपनी ड्यूटीज़ को नेगलेक्ट कर रहा है तो नेगलेक्ट योर ड्यूटीज़, तो हम इसको अगर हम बोलेंगे नेगेटिव में तो कैसे बोलेंगे? डोंट नेगलेक्ट योर ड्यूटीज़। ओके, अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। नेक्स्ट है डोंट नेगलेक्ट टू लॉक द डोर। डोंट नेगलेक्ट टू लॉक द डोर मतलब दरवाजे को लॉक करना मत भूलना। नेगलेक्ट मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ पर ध्यान ही ना दें, उसको भूल जाएं। तो हम किसी से बोलते हैं ना, डोंट नेगलेक्ट टू लॉक द डोर मतलब डोर को लॉक करना मत भूलना, उसको अनदेखा मत करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ब जॉग। क्या है? जॉग। जैसे मैंने बोला जॉग टू कीप फिट, हमें फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? जॉग। जॉग मीन्स क्या होता है? क्या होता है जॉग मीन्स? कसरत के लिए दौड़ना। वेरी गुड, मतलब सभी बच्चों को अच्छे से वर्ब्स लर्न हो चुकी हैं। तो जॉग टू कीप फिट, फिट रहने के लिए हम क्या करते हैं? जॉग करते हैं, कसरत के लिए दौड़ते हैं। नेक्स्ट जॉग एवरी मॉर्निंग, हमें हर सुबह क्या करनी चाहिए? जॉगिंग करनी चाहिए, जॉग दौड़ना चाहिए। जॉग अराउंड हर लोकल पार्क, जैसे मैंने बोला शी जॉग्स अराउंड हर लोकल पार्क, मतलब वो अपने पास के जो उसका लोकल पार्क है वहाँ पर क्या करती है? वो जॉग करती है, मतलब दौड़ती है। ओके, तो जॉग मीन्स कसरत के लिए दौड़ना। नेक्स्ट है रीगेन। रीगेन मतलब होता है, क्या होता है रीगेन मीन्स? फिर से हासिल करना। हमें अगर मान लो हमारी कोई चीज़ खो गई और हमने उसको दोबारा पुनः प्राप्त कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीगेन। रीगेन मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना, हासिल करना दोबारा। जैसे पहला सेंटेंस है रीगेन योर बैलेंस। जैसे सपोज़ आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते एकदम से आपका बैलेंस बिगड़ गया तो आप क्या करेंगे? उसको दोबारा रीगेन करेंगे, फिर से हासिल करेंगे ना, तो रीगेन योर बैलेंस। नेक्स्ट रीगेन हेल्थ। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, कोई डिसीज़ हो गई, आपकी हेल्थ क्या हो गई? बिल्कुल ख़राब हो गई, स्वास्थ्य बिल्कुल आपका ख़राब हो गया, फिर आपने अपने स्वास्थ्य को अच्छा किया तो आपने उसको रीगेन किया, दोबारा प्राप्त किया। नेक्स्ट रीगेन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स होता है आपा। जैसे कोई अपना आपा खो जाता है, बिल्कुल भूल जाता है कि सामने कौन है, तो रीगेन कॉन्शियसनेस मतलब अपने आपे को फिर से प्राप्त करो, अपने आपे में दोबारा से आओ। नेक्स्ट वर्ब क्या है हमारी? नेक्स्ट है सलूट। सलूट मीन्स होता है, क्या होता है सलूट मीन्स? अभिवादन करना। सलूट मीन्स अभिवादन करना। तो सलूट, जैसे मैंने बोला सलूट कंट्रीज सोल्जर्स, हम क्या करते हैं? कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, उनको क्या करते हैं? उनका अभिवादन करते हैं, सलूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी सलूट फॉर योर करेज। हम तुम्हारे साहस के लिए तुम्हें क्या करते हैं? सलूट करते हैं, तुम्हारा अभिवादन करते हैं, ठीक है। तो सलूट मीन्स क्या होता है? सलूट मीन्स अभिवादन करना। सलूट मीन्स अभिवादन करना। नेक्स्ट नेक्स्ट है रिमाइंड। रिमाइंड मीन्स क्या होता है? याद दिलाना। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, किसी को कुछ याद दिलाना, ठीक है। जैसे फर्स्ट है रिमाइंड मी टू बाय, जैसे मैंने बोला रिमाइंड मी टू बाय सम कुकीज़, मुझे कुछ कुकीज़ खरीदने के लिए याद दिलाना, दिला देना। आई हैड टू रिमाइंड हर, मुझे उसको क्या करना पड़ता है? बार बार याद दिलाना पड़ता है उसको
आई हैड टू रिमाइंड हर, मुझे उसे याद दिलाना पड़ा. दैट वुमैन रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर. दैट वुमैन रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर, इसका मतलब यह है कि जैसे सामने आपने किसी लेडी को देखा या किसी वुमैन को देखा, तो उसको देखकर आपको किसकी याद आ गई, अपनी मम्मी की याद आ गई, अपने माँ की याद आ गई. जिस तरीके से आपकी मम्मी है उसी वे में वो लेडी भी आपको दिख रही हैं. तो आपने क्या बोला, दैट वुमैन रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर, मतलब ये जो वुमैन है वो मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है. ठीक है, तो रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना. नेक्स्ट है डेडिकेट. डेडिकेट मीन्स होता है समर्पित करना. डेडिकेट समर्पित करना. जैसे मैंने बोला डेडिकेट योरसेल्फ टू योर वर्क, हमें अपने काम के लिए क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए ना, तो खुद को अपने काम के लिए समर्पित करो. नेक्स्ट है दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स. जैसे दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स मीन्स ये जो किताब है वो मेरे माता पिता को डेडिकेट करती है, मतलब उनको अर्पित करती है. किससे रिलेटेड है ये, मेरे माता पिता से. तो डेडिकेट मीन्स होता है समर्पित करना. डेडिकेट समर्पित करना. नेक्स्ट वर्ब क्या थी हमारी, इम्प्लीमेंट. नेक्स्ट वर्ब क्या थी, इम्प्लीमेंट. तो इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सभी को याद होगा ना, इम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ पर अमल करना, अमल में लाना. इम्प्लीमेंट मीन्स अमल में लाना. जैसे फर्स्ट है द डिसीज़न वॉज हार्ड टू इम्प्लीमेंट. जैसे कोई निर्णय लिया गया, कोई डिसीज़न लिया गया, लेकिन उसको अमल में लाना, उसको फॉलो करना क्या है, डिफ़िकल्ट है. उसको फॉलो करना क्या है, डिफ़िकल्ट है या हार्ड है. ठीक है, कठिन है. नेक्स्ट द गवर्नमेंट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान. जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी प्लान बनाया, तो जो गवर्नमेंट है उस प्लान को अमल में लाने में, मतलब उसको फॉलो करवाने में क्या हो गई, फेल हो गई. ठीक है, तो अमल में लाना मतलब उसको फॉलो करना. ओके, इम्प्लीमेंट अमल में लाना. नेक्स्ट वर्ब क्या है हमारी, प्लीड. क्या है नेक्स्ट वर्ब, प्लीड. प्लीड मीन्स होता है निवेदन करना, किसी से प्रार्थना करना, बहुत तीव्र प्रार्थना करना, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में प्रार्थना करना. ठीक है, जैसे प्लीड फॉर मर्सी. जैसे किसी ने, राजा है वो किसी पर अत्याचार कर रहा है, तो उसने दया के लिए क्या मांगी, दया के लिए प्रार्थना की, दया के लिए निवेदन किया. नेक्स्ट है शी प्लीडेड, उसने निवेदन किया, डू इट, इसे करो. उसने निवेदन किया, इसे करो. नेक्स्ट आई प्लीडेड विद हिम नॉट टू गो, मतलब मैंने उससे निवेदन किया, प्लीज़ नॉट टू गो, नहीं जाने के लिए मैंने उससे निवेदन किया. तो प्लीड मीन्स क्या होता है, निवेदन करना या प्रार्थना करना. ओके, नेक्स्ट वर्ब क्या है हमारी, नेक्स्ट है रेडिकेट. और रेडिकेट मीन्स क्या होता है, मिटा देना. मिटा देने का मतलब ये है, ये नहीं कि बस जस्ट रफ कर देना, जगह से हटा देना, बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ देना, बिल्कुल ही मिटा देना. ठीक है, और एजुकेट मीन्स होता है मिटा देना, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, स्मॉल पॉक्स हैड बीन एरेडिकेटेड, मतलब जो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है वो बिल्कुल मिटा दी गई है, बिल्कुल मिटा दी गई थी. ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बिल्कुल एरेडिकेट कर दी हैं, साइंटिस्ट ने मीन्स उनको बिल्कुल मिटा दिया है. एरेडिकेट करप्शन. करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार, जो रिश्वत ली वगैरह जाती है, और जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, मिटाना है. एरेडिकेट करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार को मिटाओ. ओके, तो क्या होता है एरेडिकेट मीन्स मिटा देना. नेक्स्ट वर्ब क्या है आपकी, अंडरटेक. अंडरटेक मीन्स होता है किसी काम की जिम्मेदारी लेकर उसे शुरू करना, किसी काम को करने के लिए प्रॉमिस करना, किसी काम को करने की गारंटी लेना. ठीक है, तो अंडरटेक अ टास्क, जैसे कोई भी टास्क आपको दिया गया, आपने उसको करने की जिम्मेदारी ली और उसको शुरू किया. नेक्स्ट आई अंडरटेक टू फिनिश द जॉब बाई फ्राइडे. उसने कहा कि जॉब का मतलब ये भी नौकरी भी होता है, और जॉब का मतलब कोई काम अगर हमें करने के लिए दिया जाता है तो उसको पर्टिकुलर हम जॉब भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आई अंडरटेक टू फिनिश द जॉब बाई फ्राइडे, मतलब मैंने फ्राइडे तक अपनी जॉब ख़त्म करने की जिम्मेदारी ली, मतलब मैं फ्राइडे तक अपनी
क्या कर दूंगा, जॉब ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेकर उसे शुरू करना। उसने जॉब शुरू की और उसने फिर जिम्मेदारी ली जॉब को करने की, उस काम को करने की जिम्मेदारी ली, और उसने कहा कि मैं उस जॉब को फ्राइडे तक ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो अंडरटेक मीन्स होता है किसी काम की जिम्मेदारी लेकर उसे शुरू करना। नेक्स्ट वर्ब क्या है आपकी, कम्पीट। क्या है नेक्स्ट वर्ब, कम्पीट। कम्पीट मीन्स होता है दूसरे से जीतने या उससे आगे निकलने की कोशिश करना या प्रतियोगिता करना। कम्पीट इन रेस, जैसे कोई भी रेस है, कोई भी दौड़ है, आपने उसमें कम्पीट किया, मतलब प्रतियोगिता की, आपने उसमें क्या किया, दूसरे से आप आगे निकलने की या उससे जीतने की आपने कोशिश की। कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, आप एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विरोध में क्या करना है, हमें प्रतियोगिता करनी है। कम्पीट विद दैम ऑन प्राइस, जैसे क्या होता है, जो बड़े बड़े सुपर मार्केट्स होती हैं वो लो प्राइस में सामान को बेचती हैं, और जो स्मॉल शॉप्स होती हैं वो ज़्यादा सामान में, ज़्यादा रुपीज़ में अपने प्राइस सामान को बेचती हैं। तो कम्पीट मीन्स होता है, क्या होता है कम्पीट मीन्स, प्रतियोगिता करना। तो जो स्मॉल शॉप्स होती हैं वो बड़ी शॉप्स के साथ प्राइसेस में कम्पीट नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं ना कम्पीट। तो कम्पीट मीन्स होता है प्रतियोगिता करना। नेक्स्ट वर्ब क्या है आपकी, एम। क्या है नेक्स्ट, एम। एम मीन्स होता है उद्देश्य रखना। उद्देश्य रखने का मतलब है कोई काम करने का इरादा रखना, किसी काम पर निशाना साधना, ठीक है। ही हैज़ एम्ड हाई, मतलब उसने, जैसे कोई इंसान है, उसने अपना एम रखा, उसका उद्देश्य क्या है कि वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है। तो ही हैज़ एम्ड हाई, मतलब उसने अपनी लाइफ में वो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। अब बहुत कुछ अचीव करने का उसने अपनी लाइफ में क्या रखा है, उद्देश्य रखा है। एम टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अब जो बेरोजगारी है उसको सरकार ने क्या किया है, जो बेरोजगारी है उसको 50% तक कम करने का क्या रखा है, उद्देश्य रखा है। कि या हमने भी, जैसे हम आपको सिलेबस बनाकर देते हैं कि हम वन मंथ में इतना सिलेबस आपका करा देंगे, मतलब हमारा एम क्या है, इतना उद्देश्य हमने क्या रखा है कि हम इतना सिलेबस आपको करा देंगे, ठीक है। तो एम मीन्स होता है उद्देश्य रखना। नेक्स्ट वर्ब क्या थी आपकी, क्या है नेक्स्ट, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना, पार्टिसिपेट भाग लेना, किसी चीज़ में हिस्सा लेना, ठीक है, या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या किसी में भी हिस्सा लेना। पार्टिसिपेट इन अ प्रोजेक्ट, कोई आपके स्कूल में प्रोजेक्ट है, आपने उसमें भाग लिया। ही एग्री टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो आपने उसमें भाग लिया, उसने उसमें भाग लेने के लिए वह सहमत हो गया। पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन, किसी भी एनुअल फंक्शन में, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, तो पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना उस चीज़ में, किसी काम में हिस्सा लेना, ठीक है, भाग लेना। नेक्स्ट वर्ब क्या है आपकी, कंप्राइज। क्या है नेक्स्ट वर्ब, कंप्राइज। कंप्राइज मीन्स होता है मिलकर बना होना और शामिल करना, ठीक है। द कलेक्शन कंप्राइजेस 327 पेंटिंग्स, मतलब ये जो कलेक्शन है उसमें कितनी पेंटिंग्स हैं, 327 पेंटिंग्स। आप इस कलेक्शन में इतनी सारी पेंटिंग्स देख सकते हैं, मतलब ये कलेक्शन इतनी पेंटिंग्स को अपने अंदर शामिल करता है, ठीक है। द कंट्री कंप्राइजेस 20 स्टेट्स, अब जो कंट्री है वो अपने अंदर कितने स्टेट्स को शामिल करती है, 20 स्टेट्स को। कंप्राइज मीन्स होता है शामिल करना, किसी चीज़ का हिस्सा होना, ठीक है, बना होना, मिलकर बना होना, शामिल करना। कंप्राइज मीन्स शामिल करना। नेक्स्ट क्या है आपकी वर्ब, अंडरगो। अंडरगो मीन्स होता है किसी चीज़ से गुजरना। अंडरगो मीन्स गुजरना, जैसे अंडरगो अ सर्जरी, जैसे आपकी कोई ब्रेन सर्जरी हुई या किसी भी चीज़ की सर्जरी हुई तो आप उसके थ्रू क्या हुए, गुजरे ना, आप उस सर्जरी के थ्रू गुजरे। तो अंडरगो मीन्स होता है गुजरना। अंडरगो अ चेंज, जैसे आप बच्चे थे और फिर बच्चे से पड़े हुए तो आपके अंदर एक चेंज आया ना, आप एक चेंज, एक बदलाव के थ्रू, एक बदलाव से गुजरे और आपने कुछ क्या किया, फिर एक्सपीरियंस किया, आपने कुछ पाया, ठीक है।
आप जब छोटे थे तो आप कुछ और काम करते थे, फिर आप जब बड़े हुए तो आप में चेंज आया ना, आपके अंदर बदलाव आया। तो अंडरगो अ चेंज मीन्स एक बदलाव के थ्रू, एक बदलाव से गुजरना। जब गो अ 5 आवर ऑपरेशन, मान लो कोई लेट ही है, उसका 5 घंटे का क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ, मतलब वो 5 घंटे ऑपरेशन से जगो ही मीन्स गुजरी, ठीक है। तो आप उस जगह इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। अंडरगो मीन्स किसी चीज़ से गुजरना, और गुजरने के बाद कठिन स्थिति से गुजरना, जैसे ऑपरेशन है और उस स्थिति से गुजरने के बाद आप कुछ सीखे भी, जैसे आप 5 आवर के ऑपरेशन से गुजरे तो आपके अंदर आपकी लाइफ में चेंज आया ना, किसी सर्जरी से गुजरे तो आपकी लाइफ में भी फिर चेंज आएगा। और अंडरगो चेंज, आपकी लाइफ में कोई बदलाव आया, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, तो कठिन स्थिति से गुजरना, अंडरगो मीन्स कठिन स्थिति से गुजरना, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं गुजरना। ओके, क्या याद की हमने 16 से लेके 30 तक वर्ब? नेग्लेक्ट, अनदेखा करना, जॉग, कसरत के लिए दौड़ना, रीगेन, फिर से हासिल करना, सल्यूट, अभिवादन करना, रिमाइंड, याद दिलाना। ओके, डेडिकेट, समर्पित करना, इम्प्लीमेंट, अमल में लाना, प्लीड, निवेदन करना, एरेडिकेट, मिटा देना, अंडरटेक, किसी काम की जिम्मेदारी लेकर उसे शुरू करना। नेक्स्ट, कम्पीट, प्रतियोगिता करना, एम, उद्देश्य रखना, पार्टिसिपेट, भाग लेना, कंप्राइज, शामिल करना, अंडरगो, गुजरना। अब आपको ये सारी वर्ब्स अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। 2 टाइम्स हम इनको पढ़ चुके हैं ना, एक दिन हमने कल पढ़ी थी और आज भी इसको अच्छे से पढ़ ली, तो आपको इन वर्ब्स को अब अच्छे से लर्न करना है 16 to 20। ओके, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की वर्ब्स लर्न करेंगे, क्या 31 to 45। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।